हे आर्य पुत्र, क्या तुम गोबर खाओगे? हाँ खाऊंगा, लेकिन सिर्फ गाय का। ओके आर्य पुत्र, क्या तुम मूत भी पियोगे? हाँ पियूंगा, लेकिन सिर्फ देसी गोमाता का। ओह बट आर्य पुत्र, क्या तुम मिड डे मील में बना खाना खाओगे? नहीं कभी नहीं। लेकिन क्यों आर्य पुत्र, गोबर खाकर मूत पी सकते हो तो खाना क्यों नहीं खा सकते? दुष्ट, क्योंकि वो एक अछूत दलित महिला ने बनाया है। यू नो वी आर प्योर ब्राह्मण्स, हम अछूतों का छुआ पानी तक नहीं पीते। ऐसा करने से हम दूषित हो जाते हैं। वाह वाह, धन्य है तू आर्य पुत्र, लेकिन ये दिव्य ज्ञान तुम्हें दिया किसने? मेरे पिताश्री और माताश्री ने। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज श्री? लेट इट गो, माय मम्मा पापा सेड डोंट टच डर्टी पीपल लाइक दलित्स, एंड उनका खाना भी नहीं खाना। दैट्स व्हाई हमने अपने स्कूल के दलित कुक का खाना भी नहीं खाया। ये संवाद जो आपने सुना है, ये मात्र एक संयोग या इस कहानी के सभी किरदार काल्पनिक है, टाइप का कुछ भी नहीं है। ये सब 100% सच है। जी हाँ, गोबर खाकर मूत पीने वाले घटिया जातिवादी लोग एक दलित महिला के बनाए खाने को नहीं खा सकते, क्योंकि वो खुद को ऊंचा और उस दलित कुक को नीच मानते हैं। उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेज सुखी डांग में करीब 230 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से कक्षा 6 से 8वीं तक के 66 बच्चे मिड डे मील के दायरे में आते हैं, लेकिन बीते सोमवार को सिर्फ अनुसूचित जाति के 16 बच्चों ने ही मिड डे मील खाया, क्योंकि भोजन पकाने वाली महिला दलित वर्ग से आती थी, इसीलिए सवर्ण छात्रों ने मिड डे मील खाने से इनकार कर दिया। सवर्ण छात्रों ने ये बात जब अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने भी स्कूल में आकर खूब हंगामा किया। इन घटिया जातिवादी पेरेंट्स ने अपने 8-10 साल के बच्चों को ऐसे घटिया संस्कार दिए हैं। इन्होंने अपनी औलाद को इंसान और इंसान में भेद करना सिखाया है। इसके अगले दिन इंटर कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी और अभिभावकों की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में भी छात्रों को समानता का पाठ पढ़ाने की जगह दलित भोजन माता को ही नौकरी से निकाल दिया। सवर्ण मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित और सवर्ण बीईओ अंशुल बिष्ट ने दलित कुक की नियुक्ति को अवैध बताकर उसे नौकरी से हटा दिया। अब दलित कुक की जगह एक ब्राह्मण महिला कुक को नौकरी दी गई है। खुद को विश्व गुरु कहने वाले इस देश की हरामी व्यवस्था कितनी घटिया है, ये घटना इस बात का सबसे अव्वल उदाहरण है। छुआछूत करना भारत के संविधान के खिलाफ है। SC/ST एक्ट की धाराओं में किसी से जाति के आधार पर भेदभाव करना दंडनीय अपराध है, लेकिन सवर्ण अफसरों ने जातिवाद करने वाले छात्रों और उनके पेरेंट्स पर कोई कार्रवाई करने की जगह दलित कुक को ही नौकरी से निकाल दिया। शायद इसी तरह सनातन धर्म की रक्षा की जा सकती थी, क्योंकि दलित तो हिंदू हैं ही नहीं, अगर होते तो क्या सवर्णों को एक दलित कुक के हाथ का खाने से कोई परहेज होता? खैर, गोबर खाकर मूत पीने वाले घटिया जातिवादी लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जिनके दिमाग में ही गोबर भरा हो, वो भला समानता का मतलब क्या समझेंगे? आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।